सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। निरहुआ ने यह बयान वायरल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है निरहुआ का यह बयान। और निरहुआ ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगार लोग आठ आठ बेरोजगार पैदा कर रहे हैं और वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का बताओ, कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, दो ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और आठ गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि आठ बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का बताओ, कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, दो ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और आठ गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं, तो आप बेरोजगार हो। तो आपने सुना निरहुआ को, जो कि बेरोजगारी को लेकर अपना एक अलग तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये इनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और बेरोजगारी के लिए बढ़ती जनसंख्या को निरहुआ जिम्मेदार बता रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, निरहुआ अपना एक अलग तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग काफी अपने अपने इस पर रिएक्शंस भी दे रहे हैं। आज बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिले के लोकसभा सदर प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, जो लगातार डोर टू डोर के जाकर जनता के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा छेड़ देते हैं और वहां पे फोन चालू होता है, रिकॉर्डिंग चालू होती है। इसी दौरान उन्होंने जो जिस तरीके का बयान दिया वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी और योगी जो है बेरोजगारी रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, उनके पास खुद के बच्चे नहीं है, इसी कारण बच्चे नहीं है। उन्होंने पहले ही बेरोजगारी को रोकने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से सरकार नियम लाना चाहती है, कानून लाना चाहती है और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहती, बावजूद इसके आप एक एक लोग आठ आठ बच्चे पैदा कर रहे हैं और बेरोजगारी खुद पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से निरहुआ ने बयान दिया है उससे बीजेपी के संगठन के लोग भी नाराजगी व्यक्त किए हैं। हालांकि जब न्यूज 18 की टीम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है तो उन्होंने इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद राजनीतिक दल के लोग या विपक्ष लोगों तमाम रिएक्शन आ रहे हैं और कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं इनके बयान को लेकर के। अब लोगों में नाराजगी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।